गिवेन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड फाइंड द फॉलो ऑफ ऑल नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट इन द ग्रामर. ओके, सो कंसीडर द फोर्थ क्वेश्चन. द नॉन टर्मिनल्स आर कैपिटल एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. द टर्मिनल्स आर ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. एप्सिलॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉलो कंप्यूट करने वाले हैं. तो इसके लिए मैंने लिख लिया फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी. अगर बात करूं एस की, तो क्या एस स्टार्ट सिंबल है? द आंसर इज यस, एंड देयर फोर डॉलर तो यहां पर प्रेजेंट ही होगा. ओके, रूल मैंने क्या बताया है कि अगर कोई भी नॉन टर्मिनल है और फॉलो आप उसको कंप्यूट कर रहे हो, तो जनरली आप जो प्रोडक्शन है उसके राइट साइड में देखते हो कि वो नॉन टर्मिनल कहाँ प्रेजेंट है. अगर वो राइट साइड में प्रेजेंट है प्रोडक्शन के, ओके, तो फिर वहां पर जाओगे और फॉलो फाइंड करोगे. लेकिन अगर वो एलिमेंट वहां नहीं प्रेजेंट है और वो स्टार्ट सिंबल भी नहीं है, ओके, तो फिर राइट साइड में प्रोडक्शन के कभी नहीं चेक करो. यहां पर कैपिटल एस को मैंने एक बार प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया, ओके, और चूंकि ये इधर राइट साइड में कभी नहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो अब मैं इसको लेफ्ट में नहीं देखूंगा. ओके, और यही पे इसको कह दूंगा कि क्या है फॉलो ऑफ कैपिटल एस, क्या है, ओनली डॉ. आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ए की बात करते हैं या कैपिटल बी की बात करते हैं. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहां ऑर्डर बहुत मैटर नहीं करता है. हाँ, रन टाइम पैसा हो सकता है कि कंप्यूट जब आप कर रहे हो तो जिसको कंप्यूट कर रहे हो उससे पहले कोई कंप्यूट होना चाहिए, तो वो रन टाइम पे ही कंप्यूट हो जाएगा. ओके, सपोज करो बी का फॉलो निकालता हूं, तो कहीं पर बी इसमें राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है क्या? यस, ये प्रोडक्शन के इस वाले प्रोडक्शन में ये बी प्रेजेंट है. इसका इमीडिएट राइट क्या है? नथिंग. रूल क्या कहता है? रूल फोर, कि जिस नॉन टर्मिनल का आप फॉलो निकाल रहे हो अगर उसके इमीडिएट राइट में कुछ भी नहीं है, तो रूल फोर अप्लाई होगा, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस. और फॉलो ऑफ एस आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, एंड देयर फोर फॉलो ऑफ कैपिटल बी वुड बी इक्वल टू डॉलर. क्या कैपिटल बी और कहीं प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट होता तो वहां से भी फॉलो ऑफ बी कंप्यूट कर लेते, और जो ये आंसर आया है इसमें उसको यूनियन कर देते. बट सिंस कैपिटल बी और कहीं नहीं प्रेजेंट है, एंड देयर फोर दिस इज द कंप्लीट फॉलो सेट फॉर कैपिटल बी. ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, एक नॉन टर्मिनल और बचा हुआ है कैपिटल ए. तो कैपिटल ए की जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, यहां पे आएंगे. ए के इमीडिएट राइट में कुछ है क्या? द आंसर इज यस, कैपिटल बी एक नॉन टर्मिनल है. जब भी ये सिनेरियो आता है तो आप क्या लिखते हो, फॉलो ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू, चूंकि आपको टर्मिनल चाहिए इमीडिएट राइट में, तो उस वजह से आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल कंप्यूट करोगे. और इसका फर्स्ट क्या है? इसका फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन. ओके, इसका फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन, तो बी को तो आप यहां डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन जब एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन को बहुत ही यहां पर केयर करने की नीड है. मींस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि एप्सिलॉन को कभी यहां डायरेक्ट नहीं लिखते. एप्सिलॉन को क्या करते हैं, जैसे ही वो यहां पे एप्सिलॉन आ गया तो उसको इसकी जगह पर रिप्लेस कराते हैं. ओके, जैसे ही रिप्लेस कराओगे बी की जगह एप्सिलॉन, प्रोडक्शन क्या एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए एप्सिलॉन को जॉब कर लेगा, प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी कैपिटल एस डिराइव्स ए ए. ओके, एंड नाउ यू आर फाइंडिंग कि फॉलो ऑफ कैपिटल ए क्या होगा. फॉलो ऑफ मींस कैपिटल ए के इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है. रूल फोर कहता है कि फॉलो ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, एंड देयर फोर आप क्या करोगे, यहां पर डॉलर भी लेके आओ.
क्योंकि एस का फॉलो क्या था डॉलर, तो उसको यूनियन कर दोगे इसमें। ओके, क्या और भी कुछ इस तरह का प्रेजेंट है? ए का कुछ और भी पॉसिबिलिटी बन रही है? नो पॉसिबिलिटी, एंड देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ऑल द नॉन टर्मिनल्स, फॉलो ऑफ ऑल द नॉन टर्मिनल्स। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। क्या कहता है कि जितने नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल क्या है? कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई, ओके आर द नॉन टर्मिनल्स। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई आर द टर्मिनल्स, एप्सिलॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, तो इन सब का हमें फॉलो कंप्यूट करना है। फॉलो कंप्यूट करने के लिए क्या कहोगे आप? जैसे मैं अभी बात करूं किसकी, स्टार्ट सिंबल के फॉलो की, तो कहता है स्टार्ट सिंबल का फॉलो तो डॉलर होना ही होना है। क्या किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में कैपिटल एस है? नहीं, एंड देयरफॉर दिस इज द ओनली टर्मिनल विच इज प्रेजेंट इन द फॉलो सेट ऑफ कैपिटल एस या स्टार्ट सिंबल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट नॉन टर्मिनल। मैं कैपिटल ए की बात करता हूं, कैपिटल ए का फॉलो क्या होगा? कहता है इमीडिएट टर्मिनल ऑफ कैपिटल ए। ओके, अब इमीडिएट कैपिटल टर्मिनल ऑफ कैपिटल ए, तो यहां तो कैपिटल भी है, नॉन टर्मिनल है, तो हमको क्या करना चाहिए उस केस में? हमको क्या करना चाहिए? कैपिटल बी का टर्मिनल निकालना चाहिए। कैसे निकलेगा? अगर हम क्या बोल दें कि फॉलो ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ, इस पर्टिकुलर केस को देख के फर्स्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑफ बी में क्या मिल रहा है हमको? बी और एप्सिलॉन फर्स्ट बी में मिल रहा है। तो जैसे ही ये टर्मिनल दिखेगा तो इसको तो हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जैसे ही एप्सिलॉन दिखेगा, केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जैसे यहां आपको एप्सिलॉन दिखे तो आप क्या करोगे? आप इसको फॉलो सेट में नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है एप्सिलॉन कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन द फॉलो सेट ऑफ एनी नॉन टर्मिनल। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जब बी की जगह पर आप इस जगह क्या करोगे, आपको हमेशा एप्सिलॉन रिप्लेस कराना होगा। जैसे यहां पर एप्सिलॉन दिख गया, यहां ना लिख करके आप इस एप्सिलॉन को इसकी जगह पर लिखोगे। जैसे ही लिखोगे प्रोडक्शन क्या चेंज हो जाएगी? एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा ए सी डी ई में, प्रोडक्शन बन जाएगी एस डिराइव्स ए सी डी ई। ओके, इसका मतलब ए के इमीडिएट राइट में अब ये तो है नहीं, बी तो है नहीं। ओके, यहां तो एप्सिलॉन करके एप्सिलॉन इग्नोर हो गया, या कह लो एब्जॉर्ब हो गया, तो इमीडिएट राइट में क्या आ गया? कैपिटल सी। अब जब कैपिटल सी की बात करोगे तो फिर से क्या बोलेगा? फॉलो ऑफ कैपिटल इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी। अब कैपिटल सी की बात करोगे तो वहां से आपको मिलेगा फर्स्ट, क्या फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी, सी और एप्सिलॉन। तो इसका मतलब सी को तो आप यहां डायरेक्ट लिख लोगे, और जब एप्सिलॉन आएगा तो एप्सिलॉन को क्या कहोगे? फिर से इसकी जगह पर रिप्लेस कराओ। जैसे ही रिप्लेस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। सामने क्या आ गया? डी। कैपिटल ए के इमीडिएट राइट में क्या है? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से क्या मिलेगा आपको? अब मीन्स चूंकि नॉन टर्मिनल है तो आप कहोगे फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल डी, और कैपिटल डी का फर्स्ट क्या है? डी और एप्सिलॉन। तो डी को तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन एप्सिलॉन के लिए क्या करोगे? एप्सिलॉन के लिए रिप्लेस कराओगे। तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इमीडिएट राइट में क्या गया? ई। तो फॉलो ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई, और फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई क्या है? स्मॉल ई। तो यहां से ई भी इसके सेट में आ जाएगा। ओके, अब लास्ट सिनेरियो जो बचेगा, एस डिराइव्स ए ई ही बचेगा। ओके, ई एप्सिलॉन नहीं होता। अगर सपोज करो यहां पर ई और स्लैश एप्सिलॉन होता तो उस केस में ई भी एब्जॉर्ब हो जाता एप्सिलॉन रखने पर, प्रोडक्शन बन जाती एस डिराइव्स ए, और जो है जब फॉलो ऑफ ए निकालते, ए के इमीडिएट राइट में कुछ है नहीं, तो फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ एस हो जाता। मींस जो भी ये सेट आया है इसमें डॉलर और यूनियन हो जाता।
ओके तो ये मींस अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि अभी मुझे और जो बाकी नॉन टर्मिनल है उनका भी निकालना है, तो मैं इस वजह से क्या करता हूं, यहां इनको सबको लिख देता हूं, बी सी डी ई ये मैं लिख देता हूं। ए का निकल चुका है फॉलो। नाउ बी की बात करें, अगर बी के फॉलो की बात करें तो आप क्या बोलोगे, जो सी के थ्रू आया होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सी, एप्सिलॉन भी होगा सी में तो एप्सिलॉन को रख दोगे तो सामने डी आ जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि डी में भी एप्सिलॉन है तो डी को भी एप्सिलॉन रख दोगे तो बी ई आ जाएगा, और ई के फर्स्ट में ई आ जाएगा तो ये ई ऐसे आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर बात करें कैपिटल सी की, कैपिटल सी के इसके फॉलो की, तो इमीडिएट राइट में क्या है, कैपिटल डी, कैपिटल डी में गए तो यहां से फर्स्ट इसका मिल गया डी मिल गया, और जब मींस डी मिल गया और जब एप्सिलॉन इसको रखेंगे तो सामने क्या होगा ई, तो यहां से ई हो गया। ओके अगर कैपिटल डी की बात करूं तो इमीडिएट राइट में क्या है, कैपिटल ई, और ई का फर्स्ट क्या है ई, मींस ई, तो ये इतना ही होगा। ओके जब बात करेंगे कैपिटल ई की, मींस हर जगह पर डिक्टो वही केस अप्लाई हो रहा है जो मैंने ए के लिए किया था। ई का इमीडिएट राइट क्या है, नथिंग, तो जब यहां पर रूल क्या अप्लाई होता है कि अगर इसके इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है, रूल 4 फॉलो ऑफ ई इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं डॉलर। ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके एंड दैट्स डन।